कुशल भारत की ओर बढ़ते कदम, कुशल भारत की ओर बढ़ते कदम। कुशल भारत के बढ़ते कदम इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे वृत्तांत से करना चाहता हूं जो 25 साल पहले हुआ था। 25 साल पहले आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पे मैंने और मेरे दोस्तों ने एक बहुत बड़े अभियान की रचना की, उसका नाम था आज़ाद भारत रेल यात्रा। इस रेल यात्रा में लगभग 250 नवयुवक और नवयुवतियों को हमने पूरा देश घुमाया और उसका शीर्षक था फ्यूचर ऑफ इंडिया, हाउ डू यू डिफाइन अ न्यू फ्यूचर ऑफ इंडिया। उस समय हमारी सोच ये थी कि अगले 25 साल में जो कि अब हो गया है उसमें भारत का कैसा नवनिर्माण किया जाए। इसके तहत मैंने किताब लिखी जिसका नाम था इंडिया अ जर्नी थ्रू अ हीलिंग सिविलाइजेशन, जिसका प्रकाशन हार्पर कॉलिंस इंडिया ने किया। और उसी के रहते रहते करीब 14 साल पहले हमने उसी यात्रा का एक नवनिर्माण किया जागृति यात्रा के तहत। जागृति यात्रा पिछले कई सालों से चल रही है और इसके अंतर्गत हम लोग एक पूरी रेल हायर करते हैं जिसमें लगभग 500 नवयुवक और नवयुवतियाँ, मुझे बहुत हर्ष है कि 40% महिलाएं हैं जो कि पूरे देश का भ्रमण करती हैं एक 15 दिन की रेल यात्रा में। 8000 किलोमीटर की ये जर्नी है जिसमें पिछले 14 साल से हम लोगों ने लगभग 6000 लोग तैयार किए हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं, कुछ विदेशी भी हैं। और ये बात सही है कि पिछले साल वह यात्रा एक तरह से भौतिक तौर पर नहीं हो पाई, लेकिन हम लोगों ने उसको वर्चुअल एक डिजिटल यात्रा के तहत फिर रीलॉन्च किया। मुझे बहुत हर्ष और उल्लास है कि इस बार भी वो डिजिटल जागृति यात्रा के तहत चल रही है। तो कोविड ने हमें रोका नहीं, हम निर्भीक रहे, हम आगे बढ़ते रहे। मैं आप सबको इसी यात्रा के तहत कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। पिछले 14 साल से मैंने लगभग 8000 किलोमीटर हर साल में चला हूँ, उससे जो मुझे सीख मिली है उसके करीब 5 मंत्र आपको देना चाहता हूँ। हो सकता है कि यह 5 मंत्र आपके जीवन में सार्थक बने और यह 5 मंत्र से आप लोगों की ऊर्जा भी देश को के निर्माण से जुड़े, जिससे मुझे बहुत हर्ष होगा और जागृति के प्रयासों को एक जोश मिलेगा। पहला मंत्र है कि आप यदि एक विरोधाभास की भावना से आगे चल रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ प्रोटेस्ट देन थिंक ऑफ बिल्डिंग, निर्माण की भावना से आगे चलें। यदि प्रोटेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, बिल्डिंग इज फार मोर इम्पॉर्टेंट। दूसरा मंत्र, मध्य भारत छोटे गांव शहरों से जुड़िए, यहीं पर असली भारत रहता है और इस जुड़ाव से आपको भी ऊर्जा मिलेगी और कई आपके जैसे लोग वहां से आते भी हैं। तीसरा मंत्र, उद्यमिता से आगे बढ़िए। उद्यमिता सिर्फ उद्यमिता इंटरप्राइज नहीं है, उद्यमिता एक सोच है। चौथा मंत्र, डिजिटल से आगे बढ़िए। डिजिटल आपने देखा ही है कोविड के दौरान काफ़ी आगे हो गया है। पाँचवा मंत्र तो नहीं है, एक सीख है, एक मौका है कि अगले 15 साल में, अगले 20 साल में हमें एक देश का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोस्तों आखिरी मौका है। तो चलिए मैं पहले मंत्र की तरफ चलता हूँ और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जागृति यात्रा का एक छोटा सा वीडियो देखें जो प्रोटेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट लेकिन बिल्डिंग इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट की भावना दिखेगी। आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी थी हम लोगों ने 75 साल पहले, उससे हटके एक नई लड़ाई लड़नी है जो कि सकारात्मक लड़ाई है। किसी को बाहर नहीं भगाना है, अब हमें कई चीज़ों से मुद्दों को लेके आगे बढ़ना है ताकि वो जो आज़ादी की लड़ाई से आगे बढ़ के हम लोग एक नई ऊर्जा से फ्रीडम पाएं। फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट बट फ्रीडम इज़ ऑल्सो वेन यू अटैच योर सेल्फ टू ग्रेट कॉज एंड कमिट योर लाइफ टू इट। सो प्लीज़ वॉच दिस वेरी शॉर्ट वीडियो ऑफ जागृति यात्रा।
जैसा कि आपने देखा, इस यात्रा में एक नई ऊर्जा की उपज हुई और जो 10वीं यात्रा थी उसमें हमने देखा कि भारत ने एक नया पाथ, एक नया मार्ग देखा है जो कि प्रोटेस्ट से हटके है, जो कि विरोधाभास से हटके है, एक सकारात्मक सोच के लेके आगे चला है। आप लोग भी इस यात्रा में आइए, आप सब आमंत्रित हैं। मैं इसका फाउंडर हूँ तो मुझे बहुत हर्ष होगा कि अगर आप में से कुछ लोग इस यात्रा में अगले साल आएँ। इस बार भी यह यात्रा डिजिटली चल रही है और आप लोग इसको देख सकते हैं, हम लोग इसके वीडियोज़ भी ऑनलाइन करेंगे। दूसरा मंत्र दोस्तों ये है कि हमारा भारत असल में मध्य भारत में ही बसता है। एक ऐसा भारत है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, बड़े शहरों का भारत, एक ऐसा भी भारत है जो कि बहुत छोटे शहरों का है, गांव का है, जो कि असहाय हैं। लेकिन आज का मध्य भारत जिसमें 240 जिले समाहित हैं, इसमें न तो लोग बहुत गरीब हैं न तो बहुत अमीर हैं। यह मध्य भारत ऊर्जा से भरा हुआ है लेकिन कई कारणवश हमने इसे तिरस्कृत किया। स्वतंत्रता की जब पहली लड़ाई हुई 1857 में, तो उसमें जो भारत उठा वो मध्य भारत ही था। मंगल पांडे की आवाज़ उठी पूर्वांचल से, लक्ष्मीबाई की आवाज़ उठी, ये साधारण भारतीय थे। इनकी आवाज़ से ही हम लोग को आज़ादी मिली 90 साल बाद। लेकिन 90 साल जब आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद मेरे हिसाब से यह भारत पिछड़ा रहा, इसको हम लोगों ने इग्नोर किया। और एक मैं किताब भी लिख रहा हूँ, इंडिया अ डायमंड इन द रफ, जिसमें इस भारत का वृत्तांत है, इसमें निहित ऊर्जा का वृत्तांत है। कई लोग, आप लोग छोटे गाँव शहरों से आते हैं, आप लोग में निहित ऊर्जा है। आप हिंदी, तमिल, गुजराती, मराठी, तेलुगु बोलते हैं, लेकिन यदि आप में इंग्लिश की भावना नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एक सुदृढ़ भारत के निर्माण में तत्पर नहीं हो सकते। आप लोग भी नागरिक हैं। तो इस सिटीज़न बिल्डर की जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो मध्य भारत में है, जहाँ जैसे कि देवरिया, जहाँ हमने बहुत बड़ा एक उद्यम केंद्र बनाने की साजी है, जैसे कन्याकुमारी, जहाँ हम लोग दूसरा उद्यम केंद्र बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों की नज़र इस मध्य भारत पर हर समय रहे, ये मेरी आग्रह है, मेरा आपसे एक तरह से रिक्वेस्ट है। तीसरा मंत्र, आप लोग उद्यमिता का मार्ग अपनाइए। उद्यमिता सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। मान लीजिए वेस्ट ने एंटरप्रेन्योरशिप को बोला तो उसका मतलब यह है कि आप एक कंपनी खड़ा करिए, वो आवश्यक है। छोटे गांव शहरों में यदि आप उद्यम खड़ा करें, जैसे कि हम लोग काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं, हल्दी का उपज हो देवरिया के पास या और ऐसी चीज़ों का उपज हो जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो उससे अवश्य रोज़गार मिलेगा, लेकिन उद्यमिता एक सोच है। तीसरा मंत्र है उद्यमिता। दोस्तों, कई सालों से हम लोग औरों पर निर्भर रहे हैं, सरकार पे, समाजसेवी संस्थाओं पे, लेकिन उद्यमिता का एक ही पहलू है कि आप अपने पे निर्भर रहें, अपने पे आत्मनिर्भर रहें। हम सभी में एक हनुमान छुपा है, उसे जामवंत की ज़रूरत है। जब आपको याद होगा कि जामवंत ने बोला था हनुमान को कि तुम में कितनी अपार संभावनाएं हैं, तुम उसको पहचानते ही नहीं हो। इसी प्रकार हम लोग समझते हैं कि उद्यमिता का जोश हर नागरिक में है। उद्यमिता एक कंपनी खड़ा करना हो सकता है, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, जैसा कि हम देवरिया में कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 50 कंपनियाँ हमने खड़ी करी हैं। लेकिन उद्यमिता एक सोच है। उद्यमिता सोच का मतलब है कि अगर आप कम संसाधन से बड़ी चीज़ कर सकें। इस सोच में समाज को जोड़ना पड़ेगा। इस सोच में एक व्यक्ति विशेष आगे चल के काम नहीं कर सकता, आप लोगों को 3-4 लोगों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि मेरी पढ़ाई IIT दिल्ली में हुई थी, JEE पास करने के लिए हम लोग को अकेले पढ़ना पड़ा था, लेकिन मुझे ऐसा पता चला कि शायद अकेले पढ़ना या अकेले काम करना उचित नहीं, लोगों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। उद्यमिता में इसका बहुत समावेश है। और उद्यमिता में एक और चीज़ का समावेश है, आप किसी क्षेत्र को अपनाएं, अपनी बिल्डिंग सोसाइटी को अपनाएं, अपनी म्यूनिसपैलिटी को अपनाएं, अपने डिस्ट्रिक्ट को अपनाएं, उसको आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ जाएगा। हमारे 6000 यात्री अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं उद्यमिता से जुड़ी हुई। आप लोगों को भी ये सीख दूंगा कि अवश्य इस मार्ग को अपनाएं, उद्यमिता के होते होते हम लोग इस देश को आगे बढ़ा सकेंगे। चौथा, जो बहुत प्रासंगिक है और डिजिटल के माध्यम से मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, और डिजिटल कोविड के बाद हर जगह फैल गया है। 2 साल पहले यदि मैं अपने गांव में जाता था तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहाँ के लोग डिजिटल का प्रयोग करेंगे, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि चाहे वो छोटे से छोटे तबके का व्यक्ति हो, अपने घर में जूम से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। और कोविड ने एक तरह से देश को झटका तो लगाया है, लेकिन डिजिटली इसको आगे भी बढ़ाया है। डिजिटल को आप लोग अपनाइए, लेकिन डिजिटल को बेमतलब नेटवर्क में आपने फेसबुक में लाइक कर दिया या कोई चीज़ की प्रशंसा कर दी या किसी चीज़ को बुराई कर दी, इससे डिजिटल का प्रयोग नहीं होता। डिजिटल का प्रयोग तब होगा जब हम समाज को एकजुट करके आगे बढ़ाएंगे। डिजिटल में एकत्र करने की भावना है। अगर एक नेटवर्क आप बना लेंगे अच्छे लोगों का, जैसे हमारे 6000 लोगों का बन गया है, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप जहाँ भी हों डिजिटल का प्रयोग सकारात्मक रूप से होगा,
किसी गलत काम के लिए नहीं होगा, ये मेरी आशा है, मेरा विश्वास है। आखिर में मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये सीख तो नहीं है, ये मंत्र तो नहीं है, लेकिन ये एक मौका है कि दोस्तों हमारी आबादी अभी भी बूढ़ी नहीं हुई है, लेकिन 15 साल बाद करीब 2036 तक हमारी भी आबादी बूढ़ी होने लगेगी, जैसे चीन की आज हो गई है, और 15-20 साल हैं लगभग हमें इस देश को बनाने के लिए। आखिरी मौका है, आखिरी मौका है आपके लिए, मेरे लिए। यदि हम लोग प्रतिबद्ध रूप से, कमिटेड रूप से अपने आप को देश निर्माण के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए तत्पर नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि देश बन पाएगा। और दोस्तों, इसके बाद वाले आने वाली पीढ़ी वो ये बोलेंगे कि इन लोगों के पास मौका था, लेकिन इन लोगों ने इस मौके को उठाया नहीं। तो अब समय आ गया है कि सब चीज़ को छोड़ के, जहाँ जहाँ आप हैं, जिस इलाके में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप स्किलिंग में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से अगर आप काम करें उसमें हर समय देश निर्माण की भावना होनी चाहिए। इसमें चलना नहीं है, अब दौड़ना पड़ेगा अगले 15 साल के लिए, क्योंकि उसके बाद की पीढ़ी के पास उतना बल नहीं रहेगा, उनकी उस समय देश बूढ़ा होने लगेगा। तो हमारे पास 15 साल का मौका है, 15 से 20 साल का मौका, और इसमें आप लोग आगे बढ़िए, तत्पर होइए, जागृति के साथ जुड़िए, फाउंडेशन काम कर रहा है उसके साथ जुड़िए, और जो कुशल भारत के नए प्रयोग हो रहे हैं उसमें आप अवश्य जुड़िए। दोस्तों, आखिर में कहूँगा कि अगला साल 2022 स्वतंत्रता संग्राम का 75वां वर्षगांठ है, तो बहुत अहम मौका है। एक नई पीढ़ी इस देश की कमान संभाल रही है। बहुत सालों पहले कई लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलवाई थी, अब हमारा समय आया है, आपका और मेरा। हम लोग को आवश्यक है कि अगले आने वाले दिनों में, इन द नेक्स्ट 15 to 20 years, वी हैव टू बिल्ड अ न्यू नेशन। वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ अस कम्बाइन, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी, इंक्लूडिंग सिटीजन्स, सो दैट वी कैन क्रिएट अ न्यू नेशन विच आर फ्यूचर जनरेशन विल बी प्राउड ऑफ। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ, और चर्चा के लिए मैं उत्सुक हूँ। धन्यवाद।